तूफान और बारिश हुई, मैं उड़ते फिसलते फिसलते उठते यहाँ तक आ गया। चलो चलो अंदर। कुछ काम काज तो करता होगा? अरे यार, अगर काम काज करता होता तो तेरे पास झक मारने क्यों आता? देख बड़ू, तुझे बीए पास करने में 5 साल लगे और मुझे सिर्फ 10 साल। इतनी मेहनत करने के भी बावजूद आज मैं बेकार। बड़ू, यही आस लेकर आयो कि तू मुझे नौकरी दे दे। नौकरी मेरे पास? क्यों बड़ू, तू इस मिल का मालिक नहीं है क्या? मैं मिल मालिक का बेटा जरूर हूं, लेकिन पिताजी की मर्जी के बगैर यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। बाप की मर्जी से मिले या बेटी की मर्जी से, मुझे तो नौकरी चाहिए बड़ू। अच्छा, तो फिर चल पिताजी से पूछते हैं। ये चरणदास जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ जाइए। आपका भी हाथ बांटो। तो क्या अपनी बीवी से भी नहीं खेलते हैं? सिर्फ बीवी के साथ नहीं, अगर बच्चे घर पर होते तो उनका भी हाथ बांट देता। राम रतन जी, क्लब में जाकर गैरों के पास हारने से तो अच्छा है गरी में हारे। आइए। बहुत खूब बहुत खूब, लखपति बनने का बड़ा आसान तरीका है। बैठिए। आपका बड़ा लड़का कहाँ है? शाम को पूछ रहे हैं। जी हाँ, मिल में गया हुआ है। तो क्या मिल का कारोबार वही संभालता है? राम रतन जी, कारोबार उसी को कहते हैं जिसकी लगाम अपने हाथ में। बहुत अच्छा किया आपने कि लड़के को काम पर लगा दिया, वरना आजकल के नौजवान उल्टे सीधे रास्ते पर चले जाते हैं। श्याम की शादी के बारे में कुछ सोचा? शादी भी सोचने से नहीं होते, अपने आप हो जाते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छी सी लड़की है? लड़की भी है, लड़का भी है। मेरा मतलब है कि मैं इतनी दूर से अपनी लड़की के लिए श्याम का रिश्ता मांगने आया। बात बड़ी घुमा कर की है राम रतन जी आपने। मैं आपके खानदान को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आजकल जमाने में लड़के से भी पूछ लेना जरूरी है। तो क्या श्याम आपकी बात टाल देगा? वैसे टालेगा तो नहीं, लेकिन पूछ लेना जरूरी है। श्याम, बड़ी जल्दी मिल से आ गए। कुछ खास काम नहीं था डैडी, तो मैं। बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ, ये मेरा दोस्त आनंद है, बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, नौकरी की तलाश में आया है। डैडी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। अरे इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारे दोस्त है, नौकरी दे दो। जी 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 जी। तो क्या आपका बड़ा लड़का यही है? बड़ी जल्दी पहचान गए। इसको कहीं पहले देखा था? और हाँ, आपका छोटा बेटा कहाँ? हाँ, उसे मैंने अमेरिका भेजा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। ठहरो बेटी, ये हमारी मीरा, मेरे दोस्त की लड़की, मेरे घर में पली बड़ी हुई, मेरे छोटे बेटे की मंगेतर। बाबूजी, हमारी छोटी सरकार जैसी धर्म कर्म करने वाली कन्या तो इस कलयुग में जन्म ही नहीं ले सकती। तब तो यह कलयुग में सतयुग का नमूना है।
अच्छा चांददास जी, मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, देखिए श्याम से उसकी मर्जी पूछ के मुझे खबर दीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए, छोटे के लिए तो लड़की घर में मौजूद है, बड़े के लिए राम रतन जी से बात पक्की क्यों नहीं कर लेते? इसकी लड़की से? आदमी तो खाता पीता है, लेकिन शान के लिए मैं कोई इससे भी बड़ा घर ढूंढूंगा। हेलो हेलो शान, गुड मॉर्निंग। हेलो। ओह नो आनंद। हेलो जिंदर। माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ प्यून हो? प्यून होगा तुम्हारा। ओह नो जिंदर, प्लीज माय सेक्रेटरी। ओह सॉरी, माफ करना, मैंने तुम्हारी नेकटाई नहीं देखी। ठीक है ठीक है। यार श्याम, तुमने एक काम अच्छा किया, एक बेकार आदमी को काम पे लगा दिया। तुम यारी निभाना खूब जानता है। अरे भाई छोड़ो मेरी तारीफ। अच्छा ये तो बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे चले आए? ये भी कोई पूछने की बात है बॉस? दानी के घर भिखारी आते हैं, चंदा मांगने आओगे क्यों? ओए, हम मांगने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। देखो श्याम, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। ये रहा मेरा इन्विटेशन कार्ड। देखो अब की बार गोल नहीं करते ना, तुम हर बार मेरा बनाते हो। नहीं जिंदर, मैं जरूर आऊंगा। बर्थडे मुबारक। थैंक यू। हेलो भाई, ठंडा उन्डा पियो। ठंडा? तुम अब तक कोल्ड ड्रिंक में ही रखे हो? शेम, कॉफी शेम। यार एक बात सोची, हम सब दोस्त मिलकर हैदराबाद चले, मुजरे महफिले विस्की, वो डोर पर डोर, सब मजा मिलेगा। अमा अमा यार छोड़ो, माल खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए जिगरा। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि घोड़े और गधे में क्या फर्क होता है। ये निब्बू पानी पीकर जवान हुआ है और लस्सी पीकर बुढ़ा हो जाएगा। किसकी बात करो मेरी? जी हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, हमारी चंडाल चौकड़ी में आप जैसे साधुओं की बड़ी आवश्यकता है। जिंदर, मैं तेरी पार्टी में जरूर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो आनंद, मैंने तुमको इन्विटेशन नहीं दिया है, तुम इतने बड़े आदमी हो, हर फंक्शन पे बिना बुलाए पहुंच जाते हो। अरे भाई उधर नहीं, इधर। क्यों? बाथरूम। सॉरी सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जिंदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिंदर जिंदर, ओ जिंदर जिंदर, सालगिरह का वक्त हो गया। किस बात? हाँ तो भाई दोस्तों, मेरी सालगिरह का वक्त हो गया है, यानी कि मैं आज शाम को 7:45 बजे पैदा हुआ था, आज से 32 साल पहले। मेरी सालगिरह की खुशी में केक काटा जाए। थैंक यू। गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। थैंक यू, थैंक यू। क्या सड़ा हुआ केक खा रहे हो? अरे भाई शराब पियो, पटियाला पैक पियो। भाई ये सालगिरह मनाई जा रही है या प्रोहिबिशन की तोहीन उड़ाई जा रही है? हाँ भाई, तुम भैंसी का दूध पियो। ये तो महान लोगों का जलपान है। अल्लाह का निरंजन। श्याम, आज तुम दोस्तों की शिकायत दूर कर दो। चल बड़ू, 2-4 घूंट लगा ले। नहीं नहीं, मैं और शराब पीऊं? यार क्यों बेचारे को छेड़ते हो? शराब पीने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, गुर्दा का पूरा। कमाल श्याम, ऐसा भी क्या, दोस्तों का दिल तो रखो। अरे श्याम एक बात सीख चलो, क्या मजा आ जाएगा। यार जैसे एक मछली सारे तालाब को खराब करती है, उस तरह तुम सारी पार्टी की रेड़ मारो। कौन है हैबिट? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुंह में उड़ेल दो पकड़ के। मजा आया? देखा, तुमको डरपोक से पहलवान बनाया जा रहा है। देखो देखो, ऊपर से साला बन रहा है और अंदर से खुश हो रहा है। चल बड़ू, ये गुलाबी नशा है, गुलाबी नशा। और दो पीले, फिर उसके बाद देख छत नीचे और फर्श ऊपर। कम ऑन कम ऑन, दैट्स अ गुड बॉय, दैट्स अ गुड बॉय, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। अब तुम्हें अनजान से महान बनाया जा रहा है, इंसानियत का फरिश्ता। गिव मी चले भी स्माइल। या नो नो नो
she is my partner. Now. काम था, शाम भी बाहर गया हुआ है, कोई जरूरी कागजात हो तो अंदर भेज देना। सर सर, हमारे चीफ फोरमैन हरदास को बिजली का शॉक लग गया है, उसे जल्दी से अस्पताल ले चलो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। प्लीज साइलेंस प्लीज। रोने से क्या बनता है, शुक्र करो भगवान का कि जान बच गई। लेकिन जिस्म का बाया हिस्सा, मेरा मतलब है बाया हाथ और पांव ठीक तरह से काम करने के काबिल नहीं रहे। न रो बेटी, न रो, चिंता न करो। यह हादसा मेरी मिल में हुआ है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर के गुजारे के लिए बंदोबस्त कर दूंगा। क्या देख के सहारे जिंदगी गुजर सकती है बेटी? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो। जी, मैं बी पास हूँ, शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी सीखा है। मैं तो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पिताजी मुझे वकालत पढ़ाना चाहते थे। आप तो हमारे घर की हालत जानते हैं, उस हालात को देखते हुए मेरी लॉ की पढ़ाई अधूरी रह गई। इतना पढ़ लिख कर तुम घबरा रही हो? कल तुम मेरी मिल में आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। और अपने पिताजी की बिल्कुल परवाह न करो, इनके इलाज पर जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। आँखों से यार जो पिलाए तो मजा जीने का जाए, जीना हो क्या जीना, ना पहलू में यार ना हाथों में जाम, फीकी फीकी सुबह फीकी फीकी शाम। आँखों से यार जो पिलाए तो मजा जीने का जाए, जीना जीना ना पहलू में यार ना हाथों में जाम, फीकी फीकी सुबह फीकी फीकी शाम। आँखों से यार जो पिलाए तो मजा जीने का जाए। Thank you.
जितनी बुझाऊं बढ़ती है प्यास। हाय मेरी जिंदगी है कितनी उदास। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, बैठा हूँ ऐसे राही हूँ जैसे। ना पहलू में यार ना हाथों में जाम, फीकी फीकी सुबह फीकी फीकी शाम, आँखों से यार जो पिलाए तो मजा जीने का जाए। सहारे प्यार का प्यासा जिंदगी गुजारे। ना पहलू में यार ना हाथों में जाम, फीकी फीकी सुबह फीकी फीकी शाम, आंखों से यार जो पिलाए तो मजा जीने का जाए। जीना हो क्या जीना, ना पहलू में यार ना हाथों में जाम, फीकी शाम आँखों से यार जो पिलाए तो मजा जीने का जाए। क्या है बेटी? बाबूजी तार आया है, दस्तखत कर दीजिए। किसका तार हो सकता है? मेरा बेटा देवदास आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। हरे कृष्ण कृष्ण। श्याम की माँ, श्याम की माँ। अरे धर्मा तेरे छोटे मालिक अमेरिका से आ रहे हैं। मेरा देवदास आ रहा है। अरे तुम्हारा नहीं, मेरा भी देवदास। भैया तुम खड़े क्यों? चलो एयरपोर्ट चलने की तैयारी करो। हाय राम। मैं और कौन? बाबूजी वहाँ बहुत गैर आदमी होंगे। तो एयरपोर्ट पर उसका स्वागत कौन करेगा? आप जो है मैं उनकी आरती घर में उतार लूंगी। और हाँ बाबूजी, मैं आपको थोड़ा सा गंगा जल दे देती हूँ, वहाँ जाके हवाई जहाज पर छिड़क देना। हवाई जहाज पे गंगा जल छिड़कूंगा? लोग समझेगा बम से उड़ा रहा हूँ उसे मैं। हाय राम। अरे आओ अपने बेटे की आरती उतारो। हाय माय खून तुष्टा मीरा। हरे राम हरे कृष्णा। ओ माँ। हाय राम, हमने तो सिर्फ इसका नाम देवदास रखा था, लेकिन ये तो सचमुच ही देवदास बनकर आ गया। आप शायद हर महीने खर्च भेजने में बचत करते रहे हो, बेचारे ने इतने महीनों से बाल तक नहीं कटवाए। पढ़ाई के लिए हजारों रुपए भेज सकता था और बाल कटवाने के लिए कंजूस हो गया। देवदास की माँ, तुम्हारे नौनिहाल को अमेरिका भेजा था इंजीनियर बनने के लिए और ये बनकर आ गया हिप्पी। अरे राम, चिप्पी? ये चिप्पी किस भला का नाम है? चिप्पी नहीं माँ, हिप्पी। वो क्या होता है जी? ये पूछो में माँ, हिप्पी का मतलब होता है पंछी
आजाद पंछी। अब दुनिया के जितने करोड़पति हैं उनके सारे बच्चे हिप्पी बन गए हैं। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, क्या हरे राम हरे राम। माँ, दरअसल हम हिप्पी लोगों की एक अलग ही दुनिया होती है। हमारी दुनिया में रात और दिन का कोई फर्क नहीं होता। जहां नींद आई वहां सो गए, जहां आंख खुली वहां जाग गए। अगर कुछ खाने को मिला तो खा लिया और नहीं मिला तो भ्रूण त्रुष्ट तरह। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। श्याम कहाँ है? जी जी, वो कह रहे थे कि कुछ दोस्तों के साथ शहर से बाहर जा रहे हैं। क्यों, आपसे कहकर नहीं गए? हाँ हाँ, कहकर गया है, कहकर गया है। वो कहकर नहीं गए होंगे, माफ कीजिएगा, मैं बड़ा बोल बोल रही हूँ। अगर एतराज ना हो तो एक विनती करूं। कहो, क्या बात? वो आनंद बाबू है ना, अच्छा आदमी नहीं है। वो छोटे मालिक को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है। मैं अपना फर्ज समझकर ये आपसे कह रही हूँ, चिंगारी को शोला बनने से पहले अगर संभाल लिया जाए तो अच्छा है। तेरी मर्जी के बगैर हमने तेरे किसी कामकाज में हाथ नहीं डाला। जब हमने तुझे इतनी इज्जत और इतना मान दे रखा है तो तू अपने बाप की पगड़ी क्यों उछाल रहा है मेरे बेटे? पुरखों के वक्त से बनाई हुई इज्जत एक बार लुटकर वापस हाथ नहीं आती। इज्जत की चादर में धब्बा पड़ जाता है तो फिर धुलने से भी उसका असली रंग नहीं आता। बस अब एक ही रास्ता, इसकी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। बोल बेटा, बोल बेटा, मेरी लाज रखेगा? मैं जिस लड़की को पसंद करूंगा उसे मैं स्वीकार करेगा? बोल बेटा, बोल बोल बेटे। आप जो चाहें मुझे मंजूर है पिताजी। देखो, हमारे दोस्त गोवा से आ रहे हैं। आपके दोस्त? हमारे दोस्त, हिप्पी दोस्त, हिप्पी दोस्त। देखो, उनके लिए अच्छे से अच्छे खाने का बंदोबस्त करो और ऐसी चिल्मों का बंदोबस्त करो। हाँ जी, चिल्मों का बंदोबस्त कर दूंगा, मगर ये तो बताइए, वो सब लोग आप ही की तरह होंगे? हम कुछ भी नहीं है, वो हमसे बढ़ चढ़ कर है, असीम है वो लोग। मालिक, मगर ये तो बताइए कि वो लोग कपड़े वपड़े पहनते हैं ना? कपड़े आजकल जानवर लोग पहनते हैं। जाओ जल्दी से पार्टी का बंदोबस्त करो। We'll be right back.
सब मस्ताने हिप्पी अपना नारा आजादी, हम सब मस्ताने हिप्पी अपना नारा आजादी, अपने लिए है एक बराबर क्या जंगल क्या आबादी। शाम न जाने कहां भटक रहा होगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। मालिक आप शाम बाबू की शादी क्यों नहीं कर देते, घर में बहू आ जाएगी सब ठीक हो जाएगा। धर्मा हम इसी सिलसिले में वहां गए थे लेकिन शाम के साथ कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं। राम राम सेठ जी। राम राम। कैसे हो रिदास? सेठ जी जब हाथ पांव सलामत थे तो आपका दिया खाते थे,
और अब आपके सहारे जीवन के दिन बीत रहे हैं। अरे आप अभी तक खड़े हैं, बेटी सरस्वती मालिक मालकिन को बिठाओ ना। बैठिए ना, इस घर में जो कुछ भी है सब आप ही का है। हरिदास जी, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। बेटी सरस्वती, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। जी अरे तुम बहुत चक्की से क्यों हो गए? शायद मैं गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर गया। मांगने का क्या सवाल, एक बुजुर्ग की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म दे सकता हूँ। तो हुक्म दीजिए ना। बात ऐसी बेटी, मैं अकेला ही नहीं, मेरी धर्मपत्नी भी तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती है। जी हाँ बेटी, मेरी तरफ देखो, मेरा आगा पीछा घर बार तुमसे कुछ नहीं छुपा। मैं शाम का बाप होकर भी तुमसे ये नहीं कहूंगा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, लेकिन बात उल्टी है। उसके लिए लड़की का ढूंढना मेरे लिए उतनी बड़ी समस्या है जितनी रेगिस्तान में पानी ढूंढना। बस ये समझ लो, तुम्हारे दरवाजे पर आखिरी उम्मीद लेकर आया हूं। बेटी सरस्वती, ये ना समझना कि तुम्हारा हाथ शाम के हाथ में दे रहे हैं, बल्कि शाम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, लोहे को पारस के पास बिठा रहे हैं। देखो बेटी, मजबूरी हमारी है, तुम्हारी नहीं। जरूरतमंदी हमेशा दूसरे के दरवाजे पर जाता है। अगर तुम इनकार भी कर दोगी तो मेरे माथे पर शिकन नहीं पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात की लाज रख लोगी तो मैं ये समझूंगा एक मरीज को एक अच्छा डॉक्टर मिल गया। देखो बेटी, कोई जल्दी नहीं है, दो चार दिन ठंडे दिन से सोच लो, फिर अपना फैसला सुला देना है? चलो शाम की माँ। अच्छा हरिदास जी, हम चलते हैं। राम राम। आओ सेठ जी। क्या बात है बेटी? मैंने फैसला कर लिया है। इतनी जल्दी? जरा सुनो तो। मैं आपकी सेवा में आ रही हूँ। इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि धरे पदं समुदमस्य भांगों सुरेश्वा विश्वानि देव सविदुर दुरतानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। हम सोचते थे कि शादी के बाद श्याम बाबू सुधर जाए। जल्दी थी तो बात क्या है? अरे बात क्या होगी, सुहागरात को ही दूल्हा है। हरे राम भरोसी, तेरी भी मत मारी गई। श्याम बाबू से क्या करें कि ये दुल्हन के लिए घर आए हैं। अरे हाँ गुलाबी, तू ठीक कहती है कि वहाँ बोतल पे बोतल फूल रहे होंगे, घुंघरू बज रहे होंगे। ये क्या खुशबू दबा रही है, तो भगा दे। पिताजी, मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। इसका मतलब ये, तुम क्लब जा रही हो? जी माँ जी। नहीं नहीं बहू, लड़का तो हाथ से जाता रहा, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी बहू को दुनिया की नजर में तमाशा बना दूं। बहू की इज्जत का रखवाला अगर पति नहीं तो ससुर जरूर होता है। लेकिन मुझे उनकी इज्जत प्यारी है, अपनी नहीं। बहस मत करो सरस्वती, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। माँ जी, मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ अपने पति के लिए, ये मेरा अधिकार है। बहू ये मत भूलो कि शाम हमारा क्या है, सबसे पहले उस पर हमारा अधिकार है। माँ बाप का बेटे पर अधिकार शादी से पहले होता है, शादी के बाद पति की देखभाल पत्नी का फर्ज नहीं अधिकार भी होता है। Thank you.
जाएगी कहाँ बिड़ो, औरत तो तारीफ ही के लिए बनी है, जाके दबोच ले प्यारे, दबोच लेना। नर्मी, नर्मी, वो कौन थी क्लब में जो नाच गा रही थी? हा? अच्छा तो नए शिकार की तलाश में आए हो, हर जाए कहीं के, जाओ उस कमरे में। मुझे गलत था समझो नलिनी, हम तो उसकी आवाज की दाद दे जा रहे हैं। अजी जरा मुड़ के तो देखिए ये कहां की अदा ठहरी, भगवान ने तुम्हें रूप दिया है तो इसे छुपा छुपा के ना रखिए। अच्छी उधर नहीं इधर। प्यासे को देखकर नदी का भाग रही है। की औरतों का बाजार में क्या करो? शाम, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी तलाश में यहाँ आई है। अच्छा तो इस नाटक में तुम्हारा भी हाथ है? नाटक कैसा, घर की जिम्मेदारियां भूलकर बीवी को घर में बिठाकर सारी सारी रात शराब में नहाते हो और ये पूछते हो घर की औरत बाजार में कैसे आई? क्या आज तक किसी खानदानी औरत को बाजार में देखा है? खानदानी मर्द बाजार में आ सकते हैं, औरतें नहीं। औरतों का काम तो सारी रात पेज पर रोते रोते बैठ के गुजारना होता है। छोड़ो सरस्वती, घर जाती हो या नहीं? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन आपके साथ। चलिए। क्यों मेरे नाम को उछाल रही हो? मैं आपका नाम उछाल नहीं रही हूँ, आपका नाम बचाने के लिए आई हूँ। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी बदनामी मेरी बदनामी है। आपको ठोकर लगने से चोट मुझे लगती है। मुझे बातों से ना बहलाओ, चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाओ? एक वो घर था जहाँ मैंने जन्म लिया था, माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया और एक दिन आपका हाथ पकड़कर मैं उस घर को हमेशा के लिए भूल गई।
आप तो जानते हैं हर लड़के को मैके से विदा होते वक्त यही शिक्षा दी जाती है। जिस घर में उसकी डोली जाती है अर्थे भी उसी घर से निकलनी चाहिए। जिस तरह कांटा पाँव में चुभता है और आंसू आंख से निकलता है उसी तरह चोट पति को लगे तो दर्द पत्नी को होता है। आप बताइए मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? सरस्वती मुझे वापस ले चलो वापस ले चलो। सच? हाँ सरस्वती मुझे घर ले चलो। बहन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कभी नहीं भूल सकती। जाते जाते गुरु दक्षिणा तो देते जाओ। ये क्या? तुम्हारी चेकबुक एक पन्ने पर सिर्फ साइन मार दे। कोई जरूरत नहीं भाभी हमें इस पन्ने की इतनी जरूरत है जितनी आपको इनकी। मेरा तो इनका जन्म मरण का साथ है ये मेरे पति हैं। तो फिर इनकी दो बीवियां एक आप और एक मैं। आपका घर बसाया जा रहा है और मेरा घर उजाड़ा जा रहा है। तलाक की कीमत 50,000 वैसे बुड़ू कोई ज्यादा नहीं है सिर्फ 5 के हंसे के आगे 4 बिंदिया लगा दे। शर्म नहीं आती? एक दोस्त को फरेब दे रहे हो धोखे की रोटी क्यों खाते हो? मर्द हो तो हाथ पांव की कमाई खाओ। भाभी ये शिक्षा अपने पति को दीजिए ये भी तो अपने बाप दादा की कमाई पे गुलछर्रे उड़ा रहा है। अगर हमारे बाप दादा रईस होते तो हम भी 100-100 के नोट में तंबाकू भर के सिगरेट की तरह फूंकते। ये कभी दस्तखत नहीं करेंगे। वाह असल से ज्यादा सूद बोल रहा है। तेल किसी का और मशालची की जान जले। आनंद ये मत भूलो कि तुम मेरी बीवी का अपमान कर रहे हो। तो बुड़ू मैंने कभी कहा कि ये मेरी बीवी है? हेलो आप कहो 50,000 प्यारे या जिंदगी एक एक जान 25,000 में मिल रही है। ना पता आ गए ना
शांति जी, दुनिया को रास्ते से भटकाया, कितनी खूबसूरत है दो बिछड़े हुओं के मिलाप का कारण बन गए। नलिनी क्या सोच रहे हैं? बस कुछ नहीं। अरे ये क्या, आपके आंखों में आंसू? ये पछतावे के आंसू ही सिर्फ होते हैं। ऐसी बात है तो लीजिए, मैं इन आंसुओं को मोती समझ कर चुन लेती हूँ। मैं पिंटी की तरह हवा में इधर उधर उड़ता जा रहा था, तुमने बड़े वक्त मुझे संभाल दिया। जो काम मेरे माँ बाप न कर सके तुमने कर दिखाया। मैंने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है। मुझे भी अपना धर्म निभाना है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैं भी जरा सुनू। तुम्हारी कानून की तालीम अधूरी रह गई थी, अब मैं तुम्हारा तुम्हें लॉ कॉलेज में दाखिल करना चाहता हूँ। मिस्टर शाम, मैं हमेशा यही देखते आया हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में दाखिल करने के लिए ले आते, मगर आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि एक पति अपनी पत्नी की अधूरी शिक्षा पूरी करने ले आया। सर, इंसान जिंदगी में कितनी भी विद्या सीखे उतनी ही कम। भगवान, मैं इस तरह से आज उनके बाल काटने वाली हूँ। वैसे अपने होने वाले पति के खिलाफ जाना एक हिंदू स्त्री का धर्म नहीं है, मैं जानती हूँ भगवान, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना भगवान। दिखाऊंगा हिप्पी संसार मेरा मजाक उड़ाएगा। रोइए मत, मत रोइए।
मुझे और इस घर ने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म ढाए, यहाँ तक कि मुझे गंजा कर दिया। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं जा रहा हूँ अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए गोवा। गोवा जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? इसने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। मैं गोवा जा रहा हूँ। नहीं, मैं गोवा जा रहा हूँ। माँ जी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। अरे तू कहाँ जा रही है? मैं उनका परिवर्तन करके उनको अपने साथ लेकर आऊंगी। मीरा, मीरा बेटी सुन तो। माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। तू कहाँ जा रहा है? नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। चाय। इतनी रात में चाय किसने बनाई? मैं। आप रसोई घर में क्यों गए थे? हाँ, क्योंकि रसोई वाले के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। चाय पी लो और अच्छी तरह पढ़ो। सरस्वती, कुछ थकी थकी सी लग रही हो। जी, सर में सख्त दर्द है। अच्छा, तुम आराम से लेटी रहो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कौन सा चैप्टर पढ़ रही थी? The law of Hindu marriage. The law of Hindu marriage. The law of Hindu marriage is a sacrament and not a contrahent. This is a religious necessity rather than a mean physical. Marriage of flesh with flesh and bone with bone. A wife is required to be a part of the body of her husband, equal in charity of truth and prudent. अब मेरी बहू वकील बन गई। पिताजी, बहू ने तो सिर्फ डिग्री ली। बहू, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वकालत में तुम्हारा बहुत नाम होगा। मेरी बहू तो चूल्हे चौके की वकालत करेगी। माँ, अगर आपके साथ किसी दिन तकरार हो गई तो मैं इसे वकील बनाकर खड़ा कर दूंगा। हाँ हाँ, मुफ्त की वकील भी मिल गई। चलो सरस्वती, कहीं बहस शुरू ना हो जाए। ये रहा तुम्हारा दफ्तर। इतना बड़ा दफ्तर मिल गई, ऐसा लगता है ये कोई एडवोकेट जनरल का दफ्तर है। हो सकता है एक दिन तुम वो भी बन जाओ। यहाँ जरा बैठो तो। वाह वाह वाह। किसकी चिट्ठी है? मीरा की चिट्ठी। डैडी, क्या लिखा है बेटा, पढ़ो तो। लिखती है, हम सब यहाँ अच्छी तरह से हैं। मेरे यहाँ आने से जो परिवर्तन हुआ है उसे देखकर आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, मीरा जरूर देवदास का परिवर्तन कर देगी। हे भगवान, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने बेटे को जटा और जुआ के बगैर देखूंगी। नमस्ते। नमस्ते, आइए अंदर आइए, आइए बैठिए। जी धन्यवाद। क्या आप ही वकील सरस्वती पीएलएलपी हैं? जी। कहिए क्या काम है? साफ साफ बोल दो ना बेटी। जी जी, मेरी जिंदगी में एक बड़ी कीमती चीज थी, चीज जिसके लिए संसार में हर लड़की जन्म लेती है, वो चीज मुझसे छीन गई। साफ साफ बताइए, आपका इशारा किस चीज से है? जी, मेरे पति की तरफ, जिन्हें पाकर मैंने खो दिया। लेकिन लेकिन अब आपको देखकर मेरी बुझी हुई आशा फिर से जाग रही है। मुझे विश्वास हो रहा है कि आप मुझे मेरा अधिकार जरूर दिलवा देंगे। इंसाफ के लिए लड़ना मेरा काम है। अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास है तो मैं आपके विश्वास की लाज जरूर रखूंगी। सारी बात सुनाइए। तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे लिए सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि बड़ी दीदी हैं। छोटी बहन को उसका हक दिलवाए बगैर आपको चैन नहीं आएगा। अच्छा बहन, मैं वचन देती हूँ, लेकिन सारे केस की तफसील भी तो मुझे मालूम होनी चाहिए। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है दीदी, मेरी जिंदगी में वो प्यार लेकर आए और कांटे बिछा कर चले गए। आप भी औरत हैं और औरत का दर्द खूब समझती होंगी।
जिस तरह भी हो मेरा सुहाग मुझे वापस मिलना चाहिए। लेकिन लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे पति पर कोई आपत्ति आए और उनके खानदान की जरा सी भी बदनामी हो। मैं कोशिश करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है बहन? जी मेरा नाम शांति है। नाच की कला के सहारे मैं अपना और अपने बूढ़े बाप का पेट पालती हूँ। डांसर? जी आप खामोश क्यों हो गए? नाचने वाले का शब्द बहुत घटिया है और पेशा भी कुछ ऐसा सोच रही हूँ। नहीं नहीं, नाच भी एक कला होती है। इस कला से मेरे जीवन की कहानी का भी कुछ संबंध है। क्या मतलब दीदी? मेरे जीवन के संग्राम में एक नाचने वाली ने कुछ पार्ट अदा किया है, मैं उसी के बारे में सोच रही थी और कोई बात नहीं। अच्छा तुम मुझे अपनी सारी बात साफ से बता दो। जी मैं हैदराबाद के थिएटर में नाचती थी। एक रात वो मेरा नाच देखने आए। हम रतनपुर राजा के नमक हलाल हैं। मिस शांति, राजा साहब ने थिएटर में आपका नाच देखा और देखते ही लट्टू हो गए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप हमारे साथ चलेंगी? कहाँ? वो इंटरनेशनल होटल में है। आप उनसे जाकर कह दीजिए मैं घर और थिएटर के सिवा किसी दूसरी जगह नहीं जाती। देखिए आपकी किस्मत जागने वाली है, जिद मत कीजिए। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। जाएंगे लेकिन आपको साथ लेकर, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती। मैं भी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। Thank you.
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत बचा ली। आप इस घर में अकेली रहती हैं? जी नहीं, मेरे पिताजी भी हैं। कहाँ है वो? वो शहर से बाहर गए। क्या वो भी नाचते हैं? जी नहीं, वो एक डांस प्रोग्राम तय करने गए हैं। वैसे आइए ना, आइए। थैंक यू, बैठिए। थैंक यू। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? अच्छा हुआ कि दुनिया में लोग चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं, वरना शराब 200 रुपया बूंद के हिसाब से मिलती। सुनिए, ये जो मेरा दोस्त है ना श्याम, करोड़पति है, करोड़पति, नोटों के तकिए पर सोता है, लेकिन बेचारा प्यार वार के मामले में बड़ा गरीब है। जिस दिन से आपको देखा है दिल दे बैठा, क्यों ना देता। क्या हुस्न, क्या रंग रूप, अरे क्या नाच, ऋषि मुनि भी चकमा खा जाए। तो आप भी इसी रास्ते से आए हैं? आदमी गंगा घाट नहाने ही जाता है, पानी देखने नहीं। अगर आपको मेरा विश्वास ना हो तो चलकर उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, मैं भी पूछती हूँ। क्या आपको भी मेरा रंग रूप यहाँ खींच लाया है? कितनी बदनसीब हूँ मैं। मैं तो आपके चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाने वाली थी, लेकिन आपने मेरे पवित्र विचारों पर पानी फेर दिया। मैंने तो सोचा था कि कितने दिनों बाद इंसान के रूप में भगवान मिला है, लेकिन आपने अपनी तस्वीर आप ही बिगाड़ ली। मेरी समझ में नहीं आता आप बोलना क्या चाहती हैं। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा पाप यही है, मैंने अपने पेट की आग बुझाने के लिए कला का सहारा लिया, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में सिर्फ एक नाचने वाली बनकर रह गई। हर कोई मेरी सूरत पर मरता है, लेकिन किसी ने दिल के अंदर झांक कर मन की तरफ नहीं देखी। जो कोई भी मेरी जिंदगी में आया उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थी। लोगों ने मुझे खरीदने के लिए क्या क्या न जतन किए। किसी ने दौलत की चमक दिखाकर अंधा करना चाहा, किसी ने सच्ची मोहब्बत का ढोंग रचाया, किसी ने आंसुओं से बहकाना चाहा, और किसी ने मुस्कुराहट से। लेकिन इस नाचने वाली ने किसी न किसी तरह उस दर्पण में बाल लाने दिया जिसका नाम है शराफत, मर्यादा और पवित्रता। और अब आप ही औरों की तरह निकले। बताइए कहां जाऊं इतनी बड़ी दुनिया में, कोई भी तो आदमी नजर नहीं आता, जंगल में भी, दरिंदे और शहर में भी। क्या यही दुनिया है? क्या यही दुनिया है? शांति बेटी, अरे रो क्यों रही हो? क्या ये लोग भी उसी जात के हैं जो तुम्हें हमेशा तंग करते रहते हैं? नहीं नहीं पिताजी, घर में गुंडे घुसाए थे, इन लोगों ने मेरी जान बचाई। पापा, पापा, पापा। डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं, जरा शौक लगा है, अच्छी देखभाल और आराम की सख्त जरूरत है, आपके पति बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे।
ये देखा आपने? क्या? ये तस्वीर किसी खुशनसीब की तस्वीर है। मांग में सिंदूर भर के अपने जीवन साथी के साथ कितने अरमानों से प्यार की नई दुनिया में कदम रख रही है। हर लड़की की यही मंजिल होती है। कुंवारी जवान लड़की तो जाड़े की रातों की चांदनी है, जंगल का फूल है। शांति, आपकी आंखों में जो हमदर्दी और दया झिलमिलाती है वो और मैंने कभी किसी की आंखों में नहीं देखी। आप पर भरोसा करते हुए एक छोटी सी जुर्रत करूं? कहो। क्या आप मुझे वो सौभाग्य दे सकते हैं जो इस तस्वीर वाली लड़की को मिल चुका है? मेरे दिल में आपके चरण धोकर पीने की आशा मचल रही है। वो कहाँ है? वो ये किस चिड़िया का नाम है? मेरे पति। पति? वो तो परमेश्वर को प्यारे हो गए। क्या कहा? मेरा मतलब ये कि तुम्हारे पति साहब ने इतनी पेट भर के पी ली कि वो परमेश्वर की धुन में मगन हो गए। तुमने अपने साथ क्यों नहीं लिया है? शांति, हम जब दो दोस्तों ने तुम्हें पहली बार देखा तो जानती हो पहले किसका दिल आया? इस गुलाम का, बाद में शाम का। क्योंकि हम दो दोस्तों में झगड़ा ना हो इसलिए हमने फैसला कर लिया कि एक मंदिर पर दो प्रेम पुजारियों का हक, जैसे शाम का वैसा मेरा। कमीने कुत्ते, जबान संभाल कर बात कर वरना। अजीब दुनिया है, कोई कीमत नहीं है। शराब के नशे में उपटांग बक रहा है, वो भी अपनी भाभी के सामने। इस वक्त वो भाभी श्याम की है। मेरी जान है, नाश मेरी जान, आदाब। कमीने, भेड़िये, शायद जान से हाथ धोकर आया। क्या शांति की शादी मंदिर में चुपके चुपके इसलिए करा दी थी कि दुनिया वालों को पता ना चले कि शांति किसकी पत्नी है? यहाँ से बाहर हो जा, नहीं तो दुनिया से बाहर कर दूंगा। ससुर जी, चुप रहो। पिताजी, अपनी मर्जी से बाहर जाने वालों को जबरदस्ती नहीं भेजते। निकल जाओ यहाँ से। नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, मैं भी देख लूंगा तेरी बेटी किस तरह शाम के साथ जिंदगी बसर करती है। निकल जाओ कुत्ते। बेटी, मैं भी जाकर शाम का पता लगाता हूँ और उसे साथ लेकर आता हूं। हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ। जी, मैं एक शाम का दोस्त बोल रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा बिगड़े थे, उसकी तबीयत बिगड़ रही है। आपका आना बहुत जरूरी है, होटल इंटरनेशनल, कमरा नंबर 108। जी जी, मैं अभी आई। आपके सामने खड़े। आपने ही अभी अभी यहाँ से बुलाया था, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। जाने मन, हम तो बिल्कुल ठीक है, हुजूर की राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। मुझे धोखा दिया गया। अब तशरीफ लाई है, जरा बैठिए तो सही। दिल बहुत बेकरार होता है। बहुत बेचैन रातें गुजारी है तेरे बिना। शांति, आप आ गए।
देखिए देखिए मुझ पर क्या जुल्म हुआ। मैंने लाख सरपट कहा कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मेरी शादी आज ही हुई है, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। कहिए आपने पुलिस का शक दूर कर दिया है ना, वो लोग मुझे छोड़ देंगे ना? कभी नहीं, खुद समझने की कोशिश करो। क्या आप भी सुनी सुनाई बातों में आ गए? हाँ मेरी गलती थी जब मैंने घर जाई की मान में सिंदूर भरा। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मेरा तन मन मेरा रोम रोम गंगा की तरह पवित्र है, मुझे अपने सुहाग की सौगंध है, आपके सिवाय मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आया। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छा हुआ पहले ही दिन मेरी आंखें खुल गई, मेरे घर की दहलीज एक नापाक औरत के कदमों से पलीत होते होते ही रह गई। नहीं 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 मैं वो नहीं हूँ जो दुनिया समझती है और जो आप भी समझते हैं। और तुम भी समझ लो, अब तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, हमारी शादी एक ख्वाब थी, भूल जाओ उस ख्वाब को। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। यहाँ तक कि अपनी पवित्रता का यकीन दिलाया, फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन जेल से तुम्हारी रिहाई कैसे हुई? पुलिस के पास कोई सबूत न था कि मैं अपना शरीर बेचती हूँ, जीत सच्चाई की हुई और मुझे वहां से बाइज्जत रिहा कर दिया गया। वो दिन और ये दिन मैं और बाबा उनकी तलाश में मारे मारे फिर रहे। बाबा बाबा वो देखिए पेट्रोल पंप पे वही तो खड़े हैं। लेकिन बाबा वो उनके साथ लड़की कौन है? चलिए चले, अरे श्याम बाबू अब पुराने श्याम बाबू नहीं रहे। नहीं नहीं जो शादी हुई है पहले बोतल के नशे में डूबे हुए थे और अब स्त्री की खूबसूरती के नशे में डूबे हुए हैं। अच्छा तो फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हाँ वकील बेटी, और अब इंसाफ की भीख मांगने हम तुम्हारे द्वारे आए। दीदी जब मैंने सुना कि शहर में एक वकील औरत भी है तो मेरे दिल में आशा की किरण जगमगाई। मैंने सोचा कि स्त्री से बढ़कर स्त्री की समस्या और कौन समझेगा। दीदी तुमने अगर मुझे सहारा न दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन लेकिन किसी वकील के पास मदद मांगने नहीं जाऊंगी। नहीं शांति नहीं, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारा इंसाफ तुम्हें दिलवाने की कोशिश करूंगी। ऐसा करने से न सिर्फ मुझे खुशी होगी बल्कि मेरे पति को भी, जिन्होंने इतनी मेहनत इतनी शौक से मुझे वकालत पढ़ाई। आज मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो एक वकील के शब्द नहीं बल्कि एक भारतीय स्त्री के शब्द हैं। शांति तुम्हारी तरह एक और देवी भी थी, वो भी डांसर थी, जिसने मेरी सुहाग के खातिर अपनी जान देकर स्त्री जात का नाम ऊंचा किया है। वो मरकर मुझे सिखा गई स्त्री का कर्तव्य क्या है। शांति तुमने तो कहा था अपने पति को देखा था, जानते उनका घर कहाँ है? नहीं दीदी मैं नहीं जानती, लेकिन लेकिन शादी के समय ली गई उनकी तस्वीर मेरे पास है। तस्वीर लाई हो? हाँ दीदी दिखाओ। ये क्या, ये तो तुम्हारी फोटो है, मुझे तुम्हारे पति के फोटो चाहिए। ओह दीदी लिफाफे से धोखा हो गया, तस्वीर मेरे घर में है, वो तस्वीर लेकर जल्दी से चले आना। हेलो मैं श्याम बोल रहा हूँ। जानते हैं मुझे पहला केस मिला है और वो भी बेहद दिलचस्प। बहुत बहुत मुबारक हो। What is this? मैं समझा तुम मेरे सामने खड़ी हो। अच्छा कोई बात नहीं मैं भी वहां रहूं। अभी तो तुम्हें चक्कर आ रहा है, कुछ दिन बाद अपनी अकलमंदी से सारी दुनिया को चक्कर आ गई। सरस्वती मैं इतना खुश हूँ, जी चाहता है एक हवाई जहाज चार्टर करके तुम्हें सारी दुनिया की सैर करा लाऊं। बहुत अच्छा क्या बोल, ऐसे नौजवानों को तो जरूर सबक देना चाहिए। लेकिन वो जो दूसरी को ले आया है क्या वो चैन से बैठेगी? क्या पता माँ जी,
शायद उस बिचारी को यह भी नहीं मालूम कि उसके पति ने पहले भी शादी की थी। मुझे तो उस बिचारी पे बड़ी दया आई है, इसलिए उसे उसका हक दिलवाने के लिए मैंने अपने सुहाग की सौगंध खाई है। बहुत अच्छा किया बहू, बहुत अच्छा किया। आज राजा जी पकाएंगे और रानी जी बैठ कर खाएंगे। जरा सी टाइट है। तो आज आप क्या खिलाइएगा? आलू की भाजी, बैंगन का भरता। आलू की भाजी, बैंगन का भरता। बोलो जी बोलो, क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे। मैदे की पूरी, आटे का फुलका। बोलो जी बोलो, क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे। जो भी सजन तुम खिलाओगे। हम हो गए पहले सबक में, और कोई चीज बोलो खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे। जो भी सजन तुम खिलाओगे। ओहो आहा, देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई थी सारी। देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई थी सारी। चलो हटो राजा, ये है रसोई, ऐसी जगह करता है प्यार भला कोई। छोड़ो चूल्हा चौका, है मुन्ना राजा भूखा। बलमा अनारी खिचड़ी खयाली, कब तक कहो जी बताओगे? बाहों में जब तक ना आओगे, बाहों में जब तक ना तकना तकना आओगे। मीरा और देवदास आ गए। अरे कुछ फर्क पड़ा? फर्क जी, वहां तो काया ही पलट गई है। आप देखेंगे तो धन रह जाएंगे। अरे धर्मा, कहाँ है वो लोग? आइए आइए। से हेलो टू ओल्ड जनरेशन। हाय फॉर। आइए पधारिए महाराज। पधारते हैं आपके लिए तोहफा, गोवा का फ्रूट नारियल पानी। व्हाट हैपेंड? हाय ओल्ड मैन। हाय आज। इस परिवर्तन के बारे में लिखा था, तुम खुद हिप्पी बनकर आ गए। हे भगवान, फूटे भाग हमारे,
अरे बेटी, तुझे तो इसकी इलाज के लिए भेजा था, तो खुद भी मरीज बनकर आ गई। लोहे के पास बैठ बैठ कर सोना भी लोहा बन गया। ओ नो आंटी, यू डोंट नो, तुमको नहीं मालूम सीपी बांधने में क्या मजा। एक ही जगह खाना, एक ही जगह सोना, एक ही जगह उठना, ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी का पत्नी। सुनिया भैया, हम सच बोलते हैं अंकल, अगर आप सब हमारा साथ चलता, आप लोग भी जरूर हिप्पी बन जाता। बन जाता नहीं, अब हम हिप्पी जरूर बन जाएंगे। हिप्पी बन रहे, कब बन रहे आप? लड़की तो दो गज आगे बढ़ गई। ओह नो माय स्वीट आंटी, आई टेल यू, हर आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अच्छा हो चाहे बुरा, अंदर से आधा हिप्पी होता है। अरे ये तू क्या कह रही है? हम ठीक बोल रहे आंटी, जरा सोचो सोचो, रात को आदमी कितना बेफिक्र से सोता है, खुला खुला बाल, ना किसी बात का गम, ना किसी बात का चिंता, ना संसार का फिक्र, जानता है आंटी, रात को सारा दुनिया हिप्पी बन जाता है। अरे हाँ। ए राम, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, घर में पहले ही एक भूत था, दूसरी भूत भी बनकर आ गई। अरे भगवान, ये किस पाप का फल मुझे मिल रहा, किस पाप का फल? ओ देवी, फल तो हम गोवा से लाया था, बगल चलो बहू चलो। पत्ता पच्ची लोग मार रहे, कमा रहे। मेरा बेटी बोलो, तुम दोनों की शादी हो गई? शादी? अरे हम लोगों को शादी का तो मुसीबत है। उस तरह हम लोगों का शादी हुआ भी और नहीं भी हुआ। हुआ भी और नहीं भी हुआ, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। तुम नहीं समझेगा, you're very innocent धर्मा। सुनो, हम ही पी लो, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ता, राइट देवू? करेक्ट मेरो। सी यू धर्मा। भगवान, हे भगवान, ये तुलसी जल वाली लड़की को क्या हो गया है? हे भगवान कृपा करो। अरे तू क्यों फिक्र करता है यार, ले इसका दाम लगा। अरे मैं बोलता हूँ दाम लगा, काम मिट जाएगा। चूस, जोर से नहीं यार, ये जल्दी हिप्पी बन जाएगा। दीदी, ये क्या है? खोलकर देख लो ना दीदी। शांति, छोटी बहन को बड़ी बहन का अपमान करने की जरूरत कैसे हुई? अगर मेरी फीस देनी थी तो मुझे बड़ी बहन क्यों बनाया था? देखो, अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता आंख और दिल का रिश्ता है। आंख जब कोई भयानक चीज देखती है तो दिल तड़पता है। अब तुम्हारे गम, तुम्हारा दर्द मेरा गम है, मेरा दर्द है। तुम्हारे साथ जो बेइंसाफी हुई, उस बेइंसाफी की तड़प मेरे दिल में भी है। तुम मुझे बड़ी बहन मानती हो ना? इसे रख लो। नहीं दीदी, मेरी तसल्ली के लिए रख लो। अच्छा, मैंने 5 रुपए दिए, जानती हो क्यों? इस 5 रुपए से भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी और उनसे ये प्रार्थना करूंगी कि मेरी छोटी बहन की खोई हुई खुशियां वापस लौट आए। अच्छा वो फोटो देखो, हेलो। हेलो डार्लिंग, घर में पार्टी का सब इंतजाम हो चुका है, फुर्सत मिली या नहीं? बस 5 मिनट का काम है, मेरे क्लाइंट मेरे सामने बैठे हैं। देखो सरस्वती, तुम उसे वहीं बिठाए रखना, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। सरस्वती, अगर उसे भी पार्टी में बुला लिया जाए तो? हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं। अच्छा तो आप चले आइए ना। अच्छा मैं अभी आया। मेरे पति का फोन था, मुझे पहला केस मिलने की खुशी में घर में एक पार्टी दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम भी वहाँ चलो, वो अभी आते ही होंगे, तुम मेरे साथ चलोगी ना? नहीं दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता, जब इस केस में आपके पति होगी तब मैं आपके घर आऊंगी, अकेले नहीं, अपने पति के साथ। वो दिन आएगा ना दीदी? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अच्छा दीदी, तुम मुझे आ गया हो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? शांति, तुम हमारे घर मत चलना,
लेकिन मेरे पति से तो मिलती जाओ, वो अभी आते ही होंगे। नहीं दीदी, अगर उनसे मेरी मुलाकात हो गई तो वो जरूर मुझे पार्टी में ले जाएंगे और फिर उनके सामने मेरी इनकार करने की जरूरत ना होगी। अच्छा तो दीदी मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा चलो जा रही हूँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। नमस्ते दीदी। सरस्वती तुम्हारी क्लाइंट कहाँ है? वो गई टैक्सी में। अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कहाँ जाने दिया, वो खुद ही शर्मा रही थी, कह रही थी अब वो नहीं आएगी, केस जीतने के बाद अपने पति के साथ आएगी। अच्छा ये क्या? उसकी फोटो है। दिखाओ। बिल्कुल नहीं वकील, मैं पहले देखना चाहता हूँ। दिखाओ, दिखाओ। कमाल की बात है, वहाँ मेहमान लोग खाने पीने के इंतजार में जबान से होठ चाट रहे हैं और यहाँ आप श्रीमान श्रीमती जी कबड्डी खेल रहे हैं। ये फोटो पार्टी के बाद देखेंगे, आओ। चलो पार्टी के बाद देखेंगे। Congratulations to both of you. सरस्वती की कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पर है, क्योंकि अगर तुम इसे इजाजत न देते न पीएल पास करती न उसे ये केस मिलता। अच्छा बेटी, इस केस का नेचर क्या है मुझे बता सकते हो? धर्मा फोटो कहाँ है जो ऑफिस से लेके आया था? धर्मा फोटो दिखा। ए धर्मा, वो फोटो पहले मुझे दिखा, मैं उस कमीने की शक्ल देखना चाहता हूँ जिससे अपनी बीवी को धोखा दिया। आप जरा चुप रहेंगे? धर्मा सबसे पहले मुझे उस कलमुआ की फोटो दिखा। वो वाट कलमुआ, वो तो हमारी कौन का मालूम होता है? ब्रूस ब्रूस सर, राइट देवो, सबसे पहले हमारा। अरे धर्मा, तो धर्म संकट में पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा कि पहले किसको दिखाऊं और बाद में किसको दिखाऊं। सर लो, मैं रखता हूँ ये फोटो टेबल पर, आप सब मिलकर एक साथ। अरे ये तस्वीर तो शाम से मिलती जुलती है। मिलती जुलती की क्या बात है, ये शाम ही तो है। ये सब झूठ है, फरेब है, मैं कहता हूं उस फोटो को टुकड़े। सरस्वती तुम इस तरह क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें मुझे भरोसा नहीं? ये मैंने, ये तस्वीर बोल रही है। सारी दुनिया मुझे गलत समझ सकती है, मेरे मां बाप मुझ पर भरोसा ना करें, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे शक की नजरों से देखो। ये फोटो झूठी है, गलत है, फरेब है, धोखा है। बहुत मामूली बात है, इसके लिए आप लोग इतना झगड़ा जाओ। अच्छा तो खूब झगड़ा करिए, भ्रूण त्रुष्टा। बहू, आजकल ये रिवाज सा हो गया है कि अमीरों के लड़कों को बदनाम करके उन पर झूठा इल्जाम लगा के लोग पैसे ऐंठना चाहते हैं, लेकिन मैं इस मक्कारी के पौधे को फूलने फलने नहीं दूंगा जिसने मेरे बेटे के खिलाफ ऐसी साजिश की है। मैं उसके घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपने उस मासूम लड़की को नहीं देखा, अगर देखते तो ऐसी बात नहीं कहते। हो सकता है ये आनंद की सोबत का नतीजा है। लेकिन बहू, इतनी बड़ी गंभीर बात हो गई, शाम में उसे क्यों छुपा कर रखा? जाओ उस लड़की से कह दो तुम उसका मुकदमा नहीं लड़ोगी। पिताजी ये उलझन इतनी आसानी से हल नहीं हो सकती। बहू तुमने जिस घर की शोभा बढ़ाई है क्या उसी को मिट्टी में मिला दोगी? माँ जी, माँ जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे थोड़े से मोहलत दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तू अपना कर्म किए जा और वो भी
फल की इच्छा किए बिना। कर्म वो होता है जो निष्काम, कर्म करना तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, योगी अपने हर कर्म को भगवान की इच्छा समझ के करता है। कर्म करने वाले की वही पदवी होती है जो कि एक नौकर की, जिसे केवल मालिक की आज्ञा के आगे शीश नमाना है। तस्मात् असक्तः सततम् कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष है। अर्थात अपने आप को संबंधियों के तथा पारिवारिक प्यार से अलग करके अपने कर्म को कर, क्योंकि ऐसा करने वाला ही अवश्य परमात्मा को पाता है। बहू मंदिर गई थी? हाँ माँ जी, भूले हुए को रास्ता और उलझे हुए की उलझन का हल तो भगवान ही बता सकता है। बहू मैं तो पहले ही जानता था कि तुम ये मुकदमा छोड़ दोगी। हाँ पिताजी, अब मुझे कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जा बेटी जाओ, उस लड़की से कह दो तुम उसका मुकदमा नहीं लड़ोगी। कह दूंगी पिताजी, लेकिन एक बात है, आप अगर उस लड़की को इस घर में बहू बनाकर ले आए तो मुझे मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पिताजी। बेटी बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे विचार तुम्हारे मन में आए कैसे? पिताजी मैंने बहुत सोचकर ये फैसला किया, अब इस घर में रहने के काबिल मैं नहीं हूँ, वो है। तुमने फैसला कर लिया है? नहीं नहीं नहीं, मेरे कानों में जहर मत खोलो, कोई दूसरी लड़की तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम मुकदमा लड़ना चाहती हो ना, बेशक लड़ो, लेकिन तुम ये घर नहीं छोड़ो, मेरे बेटे की खातिर नहीं, हम लोगों की खातिर। मैं अपनी बहू को न खोने के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगा, जो तुम्हारे मुकदमे की बुनियादें हिला कर रख देगा। A familiar leading battle, but this is the strangest one. अपने पति के खिलाफ किसी पत्नी को जिरा करते ना देखा ना सुना इस तक। बैरिस्टर साहब, मैं सिर्फ आपको मुकदमा ही नहीं दे रहा हूं, बल्कि अपने बेटे अपनी बहू की इज्जत बचाने का बोझ सौंप रहा हूं। बल्कि यू समझिए कि खानदान की इज्जत अब आपके हाथ में है। फेथ इन गॉड, और मुझ पर भरोसा कीजिए, आपकी इज्जत बचाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए, चलो बेटा। पिताजी आप चलिए, मुझे मिल में एक जरूरी फोन करना है और कुछ दोस्तों से भी मिलना है। अच्छा हाँ। ये रिसीवर क्यों रख दिया? फोन तो एक बहाना था, मैंने माँ बाप के सामने झूठ बोला है। झूठ? और माँ बाप से? आपको सच्चाई बताने के लिए। सच्चाई? सच तो ये है कि मैं जवानी के जोश में शांति से शादी कर बैठा। क्या तुमने अपने पति के खिलाफ मुकदमा लड़ने का फैसला कर ही लिया है? जी, मैं कई दिन दो राह पे खड़ी थी, कुछ सोचता नहीं था इधर जाऊं या उधर जाऊं, लेकिन भगवान ने मेरे मन को शक्ति दी और अब मैं ये कदम उठा रही हूँ। मैंने आपसे कोई बात छुपा कर नहीं रखी, मुझे खुशी है कि मेरी बीवी मेरे खिलाफ कानून की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मैं पल भर के लिए नहीं सोच सकता कि वो मुझसे जुदा हो जाए। बैरिस्टर साहब, मैं अपनी जिंदगी खो सकता हूं लेकिन उसे नहीं खो सकता। तो शांति के हक में एक चीज है, वो फोटो, और कोई सबूत तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर एक बात का ख्याल रखना शाम, कि जवानी के जोश में या किसी के बहकावे में आकर शांति के करीब मत जाना,
नहीं तो कभी कभी इंसान अपने आप कानून के पंजे में आ जाता है। श्रद्धा भक्ति से पूरन मासी के दिन ईश्वर की पूजा पाठ किया करती थी, अब तू क्या से क्या बन गई? तू सर्वनाश के रास्ते पर जा रही है मेरी बेटी इन पाखंडियों के साथ। मेरे मित्रों को पाखंडी मत कहिए। आज पूरन मासी के दिवस मैंने इन ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया है। आज के दिवस ये नृत्य और कीर्तन करेंगे। ये लोग कीर्तन करेंगे? यस, व्हाई नॉट। शर्म कहे कहे उसे हम बेशर्मी, दुनिया जिसको शर्म कहे कहे उसे हम बेशर्मी। तुम काय को उधर से भागा? कीर्तन क्यों बन गया? कीर्तन और चूल्हे में चाहे ऐसे लोग, जिस दुनिया में किसी की होने वाली पत्नी अपने होने वाले पति की आंखों के सामने दूसरे की बाहों में नाचे झूले, उस दुनिया में रहने का क्या फायदा? खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मेरा गुड बाय मेरा, आज मैं अपनी जिंदगी का भ्रूण, लानत है इस भ्रूण पर। कहा है? यस यस। आओ, तुम जल भुन गया? और नहीं तो क्या। हमको लगता तुमने आज थोड़ा दम कम लगाया। आज हम तुमको मंगेतर की तरह नजर आता, तुमको मीरा नजर आता। बेशक बेशक, क्या तुम्हारी मेरी सगाई अमेरिका जाने से पहले ठहराई नहीं गई थी? ओह देवू डार्लिंग, फॉरगेट इट। उस वक्त तो हम लोग एक इंसान था और अब एक आजाद पंछी, यू नो, लव बर्ड। तो क्या तू ये भूल गई कि तेरी शादी मेरे साथ होने वाली है?
आओ, हम हिप्पी लोगों का दुनिया सबसे अलग है, यू नो, रात और दिन हमारे लिए एक जैसा है। जब नींद आया सो गया, जब आँख खुला जाग गया, खाने को मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भ्रूण थ्रुस्त्रा। मीरा मीरा मीरा, मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याओ। अरे नादान, मेरी आँख खुली और तेरी आँख बंद हो गई। ओ देवू, हाय, ओ देवू, अब इस दुनिया में जीने का कोई धर्म नहीं। ओ देवू, देवू, खून, खून, कितना खून, तुम्हारा खून। तुमने क्या किया डार्लिंग? तो हम मर रहे हैं, परलोक से भाग रहे हैं। हे राम, मीरा मीरा जाओ, गंगा जल लाओ, हमारे मुंह में डालो। अरे क्या बात है, आज पवित्र गंगा जल का नाम किसने तुझे सुना? माँ, 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 देवता, मेरे नाम, ये सब क्या हो गया? खून, खून कैसे मेरे लाल? चिल्लावत माँ, ये शहीदों का खून है। धर्मा मुझे लो। राम, अरे देवता, देवता, मेरे लाल, ये सब क्या हो गया? माँ जी, वो माँ जी, ये सब नाटक मैंने रचाया है। क्या? इस पिस्तल में जो गोली है वो असली नहीं है बल्कि नकली है। तो क्या हम अभी तक इस दुनिया में हैं? परलोक नहीं गए? अरे लोग परलोक जाएं तेरे दुश्मन। माता जी, मैं हिप्पी बनी थी सिर्फ इनमें परिवर्तन लाने के लिए। आज देखा माता जी, मुझे दूसरों के साथ नाचते हुए देखकर इनका दिल कैसे जल उठा। मीरा, ओ, मीरा, हमारे लिए 24 बाल्टी गर्म पानी का इंतजाम करो और 6 डजन साबुन की टिक्की बाथरूम में रखवाओ। और धर्मा जी, हमारे लिए खानदानी नाई को बुलवाओ, हमारे सर में खुजला हो रहा है। मालिकन, अब तो मुझे ज्यादा इनाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे छोटे सरकार का दोबारा मुंडन संस्कार हो रहा है। उधर इधर 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 उधर। शांति, शांति। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? सपना था। सपना? मैं तो कुछ और समझा। चलो सो जा। एक बात पूछो। कहो। आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं। देखिए, इस वक्त हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं। अब मुझे सच से बता दीजिए, क्या आप शांति को नहीं जानते? शांति, शांति, शांति का भूत तुम्हारे सर पर सवार हो गया है। ये सब फजूल की बात है। न जाने ये केस तुम्हारे पीछे कहां से पड़ गया। मुझसे भूल हो गई। हैरानी की क्या बात, अब सरस्वती दूसरी लड़की की वकील है, वो अपने धर्म का पालन कर रही है। अगर वकालत का पेशा धर्म है तो पतिव्रत धर्म नहीं होता। श्याम की माँ, बहुत भोली हो तू। भगवान इस संसार में हर किस्म के आदमी बनाता है और उसी भगवान ने सरस्वती को भी इस धरती पर भेजा है।
अगर सरस्वती जैसे प्राणी इस धरती पर न हो तो फर्ज का प्रचार कौन करे? सरस्वती ने जो कुछ सोचा है वो उसी पे अमल करे। उस दिन कहा था ना, मेरा एक दोस्त खून के सिलसिले में पूना जेल में कैद है। हाँ, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी सरस्वती मेरे भाई के साथ हमारे मुकदमे के सिलसिले में उसे मिलने गई है। फोटो के अलावा सिर्फ मेरा दोस्त यहाँ को देखी गवाही दे सकता है। इससे पहले सरस्वती उसे अपने काबू में कर ले, आपका उसे मिलना बहुत जरूरी है। इसी वक्त मैं इसी वक्त कैसे जा सकता हूँ? मैं बिजी, मैं इन्वॉल्व विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। और हम वहाँ जाके करेंगे भी क्या? आपकी बीवी तो वहाँ पहुंच चुकी हुई और गो मी टू गो ऑन एरोप्लेन। देखिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चलिए मेरे साथ। भाभी, भैया की गाड़ी पीछे से आ रही है। लगता है शायद वो भी उसी काम के लिए पुणे आ रहे हैं। ऐसे सर, वो देखिए सरस्वती की कार। ओ देयर, कम ऑन, मूव फास्टर, प्लीज मूव फास्टर, लेट्स ओवरटेक इट। जल्द जल्द, मुझे उसे आगे पहुंचना है। वो आनंद जो कत्ल के जुर्म में यहाँ कैद था, शायद आपने आज अखबार नहीं पढ़ा। कल जेल में कैदियों का आपस में दंगा फसाद हो गया था। आनंद मौके का फायदा उठाकर दूसरे दो कैदियों के साथ भाग निकला। पुलिस उनकी तलाश में है। अरे भूवी, तुम क्या कर रही हो? धर्मा कहाँ है? पिताजी, आज मैं अपने हाथों से आप लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। क्या हुआ श्याम की माँ, तुम रो क्यों रही हो? बहू के दिल में जो दर्द छुपा हुआ है, क्या आप उसे नहीं जान रहे हैं? कल मुकदमे का पहला दिन है। अगर बहू मुकदमा जीत गई तो उसे हमेशा के लिए यह घर छोड़ना पड़ेगा। मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। क्या ये सच है बेटी कि आज की रात हमारे तुम्हारे नाते रिश्ते की आखिरी रात है? तुम्हारे चरण बेगाने हो जाएंगे? किस्मत को क्या मंजूर है, ये कौन जानता है पिताजी? भाई साहब, मैं इतना जरूर जानता हूँ, एक बार मंदिर में देवी की स्थापना होने के बाद देवी का स्थान कोई नहीं बदल सकता। अदालत का मामला है सरस्वती, ये तो घर की बात है,
विधि का विधान, विधि का विधान जिसने लिखा वही जाने, वही जाने विधि का विधान। जीवन की गाड़ी के दो पहिए एक आशा एक निराशा, नाव भी तेरी तू ही खिवैया, पवन पे तेरा जोर है क्या, किस्मत के हाथों तू है खिलौना, इसके सिवा तू और है क्या, होनी है क्या और अनहोनी क्या है, समझता जो इंसान बन जाता भगवान। विधि का विधान जिसने लिखा वही जाने, वही जाने विधि का विधान। जिसने लिखा वही जाने, वही जाने। आपने मेरे क्लाइंट का बयान सुन लिया, ये बयान नहीं एक अबला की दर्द भरी कहानी है। हर मासूम लड़की मांग में सिंदूर भरे जाने के बाद एक खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब देखती है। शांति ने भी वैसे ही सपने देखे, लेकिन उन सपनों का अंजाम भयानक निकला। जो पति उसकी इज्जत का रखवाला बनने वाला था, उसकी इज्जत लूटकर उससे दूर चला गया। देखो देखो झूठ मूठ का रोना तो देखो, आखिर नाचने वाली जो ठहरी। चुप रहो, यह अदालत है, कर रहे हैं। योर ऑनर, इस मासूम लड़के की आंखों से बहते हुए आंसुओं की एक एक बूंद एक औरत पर मर्द के अत्याचार की कहानी है। इन बहते हुए आंसुओं को अब इंसाफ के सिवा कोई खुश नहीं कर सकता। शादी के वक्त ली गई ये तस्वीर मिस्टर श्याम और शांति की शादी का सबूत है। May I seek your permission to argue on behalf of my clients, Your Honor? Permitted. Learned Madame Saraswati ne adalat ke samne apne client ki kuch is tarah se safai pesh ki hai jaise ki adalat nahi ho balki Ramlila ground. Phir bhi main inke bhashan ki daad deta hu. Lekin Your Honor, ek photograph ke kamzor saboot se aap मेरे क्लाइंट को मुल्जिम साबित नहीं कर सकते, बिकॉज द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी हैज इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली। दो फोटोग्राफ्स को एक साथ मिलाकर सुपर इम्पोज कर आप उसे एक फोटो बना सकते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑल दिस इज चीटिंग एंड फ्रॉड। ये मेरे मुल्जिम के खिलाफ एक साजिश है। योर ऑनर, आई सीक योर परमिशन टू क्रॉस एग्जामिन मिस शांति। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजिल वकील मेरी क्लाइंट को मिस के नाम से नहीं पुकार सकते क्योंकि वह एक शादीशुदा औरत है। अदालत इस दलील को मानती है। यू प्रोसीड। आपका नाम? शांति। शादी से पहले आप कौन सा काम करती थी मेम साहब? मैं नाचती थी। नाचती थी कहां, गलियों में? जी,
स्टेज पर। हाँ स्टेज पर कौन सा नाच नाचती थी आप स्टेज पर? हर किस्म का। हर किस्म का मतलब भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कैबरे और एक टेक्निकल डांस होता है। आप कौन सा नाच नाचती थी मेम साहेब? हर किस्म के। तो पूरब और पश्चिम दोनों पर हावी हैं आप, और वेस्टर्न डांसेस में तो कपड़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं। By the stage fright, you are an artist, और आप हजारों लाखों आदमियों के सामने नंगी नाच चुकी हैं बिना कपड़ों के। Your Honor, मेरे फाजिल हम पेशा साथी ये मत भूले कि ये भी चंद बेटियों के बाप है और इनकी एक बेटी भी डांस सीखती है। डांस एक कला है। हाँ, मेरी क्लाइंट शांति की रोजी का जरिया नाच था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक मासूम लड़की की छुपी हुई इज्जत को भरी अदालत के सामने जिरा क्या लेकर नंगा किया जाए। कि वकील बहन अपनी औरत साथ होने का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है। इस मुकदमे की असली बुनियाद है ये फोटो। चलिए मान लिया कि ये फोटो असली है, अब मैं अदालत के सामने एक दूसरी फोटो पेश करता हूं, और वो फोटो है ये। Your Honor, आप इस फोटो को अच्छी तरह एग्जामिन कीजिए। यह है शांति की शादी की असली तस्वीर, और शांति के साथ जो साहब वहां बैठे हैं वो है इनके असली पति, माई क्लाइंट मिस्टर शान नहीं। Your Honor, जैसे कि मेरे फाजिल साथी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मिस्टर श्याम और शांति की शादी की तस्वीर छूटी है, तो फिर ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि जो फोटो अब इन्होंने पेश की है वो भी जाली हो सकती है? क्योंकि शांति के साथ जिस श्रीमान की फोटो मैंने पेश की है वो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है, लेकिन जो फोटो इन्होंने पेश की है वो आदमी इस वक्त इस अदालत में कहां है? हो सकता है वो आदमी इस दुनिया में ना हो। Your Honor, अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि मैं मिस्टर श्याम को क्रॉस एग्जामिन कर सकूं। यू आर परमिटेड। अब देखना मेरा बेटा कैसा बोलेगा। अरे बेटे की छोड़ो, पहले पाव की सुनो। आपका शुभ नाम? श्याम ठाकुर। आपकी शादी को कितने साल हुए? अंदाजन 5 साल। आपने अब तक कितनी शादियां की हैं? सिर्फ एक। नहीं, इससे पहले भी आप शांति नाम की एक लड़की से शादी कर चुके हैं। ये बिल्कुल गलत है और झूठ है। आपने उसे कभी देखा तो होगा? नहीं, इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसके बारे में सुना तो होगा? कभी नहीं। अच्छा, आप कभी कभी हैदराबाद जाया करते थे? जी। अकेले जाया करते थे? नहीं, मेरे एक दोस्त अनन के साथ। किस सिलसिले में? अपने कारोबार के सिलसिले में। नहीं, आप वहां कारोबार के सिलसिले में नहीं जाया करते थे। तो फिर किस सिलसिले में जाया करते थे? सवाल मैंने किया, जवाब आप दीजिए। आपको शराब पीने का शौक है? शौक नहीं बल्कि आदत है। नहीं। मिस्टर श्याम, आप किसी आदत पर रोशनी डालने के लिए अगर आपकी धर्म पत्नी को यहाँ तलब किया जाए तो शायद ये बात साबित हो सकती है। आई एंटायरली एग्री विद हर योर ऑनर। इस विटनेस की बात सख्त जरूरत है, और इत्तेफाक की बात यह है कि इस वक्त इस कोर्ट में मिसेस श्याम यहां मौजूद है। परमिशन ग्रांटेड, लेकिन मिसेस श्याम कहां है? योर ऑनर, मैं हाजिर हूं। बाबा, ये क्या? वकील दीदी ही मेरे पति की पत्नी है। Very interesting. You can proceed. आपका नाम? सरस्वती। आप वही सरस्वती हैं जो वकील भी हैं? जी। आप मेरे मिस्टर शान की धर्मपत्नी हैं या नहीं? Speak the truth, nothing but the truth. मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। Now this case has taken a sudden turn, Your Honor. और यही मोड़ मेरे क्लाइंट की बेगुनाही का सबूत होगा। मुद्दत से मेरे क्लाइंट मिस्टर शान और उनकी धर्मपत्नी में अनबन चली आ रही है, गलतफहमियां है, और औरत का जलापा मशहूर है, और जब इंतकाम पर उतर आती है तो ये सब भूल जाती है कि वो किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। जैसे श्याम ने अपनी वकालत का सहारा लेकर मेरे क्लाइंट को सलील करने के लिए ये केस अपने हाथ में लिया। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मेरे क्लाइंट को पास से बरी किया जाए। करे शोले और
आप अपने पति के चाल चलन पर कुछ रोशनी डाल सकती हैं? जी, जहां तक मैं इनको समझती हूँ, ये मिल कर्मचारियों के लिए एक नरम दिल के मालिक हैं। सारे शहर के लोग इन्हें इज्जत की नजर से देखते हैं। ये माँ बाप के आंखों के तारे हैं और उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुकाते हैं। माना कि वो अच्छे मालिक हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि वो एक अच्छे पति भी हैं? योर ऑनर, अपनी जुबान से अपने भगवान की तारीफ नहीं की जाती, उसे दिल ही दिल में पूजा जाता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। देखा मेरी बहू को? वो तो मैं रोज देखती हूँ। योर ऑनर, मैं मिस्टर शाम को फिर से क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन चाहती हूँ। प्रोसीड। आपको नाच गाने की महफिलों में जाने का शौक है? नहीं। क्लब में कैबल डांस देखने का शौक तो होगा? मैं किसी क्लब का मेंबर नहीं। मेरा मतलब क्लब से नहीं, होटल और रेस्टोरेंट से है। बिल्कुल नहीं। मिस्टर शाम, आपके दोस्त आनंद बहुत अच्छे आदमी है ना? जी, बहुत अच्छे। जरूर होंगे। तो फिर आप ये बताइए, इतना अच्छा आदमी जेल क्यों गया था? जेल? जी हाँ, जेल। जिस बात का सबूत मैं दे सकती हूँ, उस बात से आप क्यों घबराते हैं? मैं क्या जानू, एक आदमी किसी भी कारण जेल जा सकता है। मेरे केस से आनंद के जेल जाने का क्या संबंध है? मिस्टर शाम, जब एक अच्छा आदमी किसी अच्छे आदमी से दोस्ती करता है, तो फिर ये भी बता सकता है कि वो किस जुर्म में जेल गया था? एक कत्ल के। इतना अच्छा आदमी किसका कत्ल किया? एक नाचने वाली का। अच्छा, तो एक नाचने वाली का कत्ल किया। क्या उस नाचने वाली का कत्ल उसी के घर में हुआ था? नहीं, क्लब में हुआ था। अच्छा, तो वो कत्ल क्लब में हुआ था, आपने रोका क्यों नहीं? मैं उसे बचा नहीं सका। आप ये बताइए, आप बार बार शांति के घर क्यों जाया करते थे? मैं कोई शांति वांति को नहीं जानता। आप शांति को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। मिस्टर शाम, आपने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, लेकिन आप जो भी कह रहेंगे वो झूठ के सिवा कुछ नहीं। आप शांति को नहीं जानते थे? नहीं। मैं कहती हूँ आप शांति को जानते थे। बिल्कुल नहीं। उसके दहलीज पर मजलू की तरह बैठे रहते थे। झूठ है। उसको देखकर आपके मुंह से राह टपकती थी। झूठ है। वो एक क्षमा थी, आप एक परवाने थे। नहीं। आपने उससे विनती की शादी के लिए, विनती की। नहीं। आपने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर उससे विनती की। नहीं। उसके पाँव में पैर रख के उससे शादी की भीख मांगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि शांति ने मुझसे शादी की भीख मांगी थी। उसने कहा था कि मैं उसकी मांग में सिंदूर भर दूं। आप वकील होकर मुझसे झूठ कह रही हैं। जो बात शांति ने की थी, आप वो मेरे सर थोप रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक औरत की आंसुओं ने मुझे बहका दिया था। मैंने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसका मेरा कोई संबंध नहीं था। आई हेट हर, आई हेट हर, आई डोंट वांट हर, आई डोंट वांट हर, आई हेट हर, आई हेट हर। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत का फैसला है कि मिस्टर शाम की पत्नी शांति है और मिस्टर शाम को अपनी दूसरी बीवी का त्याग करके अपनी पहली बीवी को अपनी शरण में लेना होगा। आंसू क्यों? तुम्हारा खोया हुआ स्वर्ग तुम्हें मिल गया है। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ। मैं तुम्हारे पति को अपने साथ लाकर तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूंगी। शांति, तुम्हारी जीत स्त्री जाति की जीत है। जाओ आओ बेटी, आओ बेटी, जाओ शांति।
माफ कीजिएगा, कोर्ट में आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछने पड़े। मुकदमा हार कर मेरा सर नीचा तो हुआ, लेकिन मैं फखर से सर उठा सकता हूं कि मैं सरस्वती का पति हूं। नहीं, अदालत का फैसला है इस जन्म में आपकी पत्नी शांति है। गाड़ी इस साइड में मोड़िए। क्यों, ये सड़क तो हमारे घर नहीं जाती। शांति के घर जाती है और वो आपकी पत्नी है। नहीं नहीं सरस्वती, मेरी जिंदगी की पत्नी तुम हो। कौन हो तुम? थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा मैं कौन हूँ। मैं तुम दोनों की मुश्किल हल कर देता हूँ। ना गाड़ी इधर जाएगी और ना गाड़ी उधर जाएगी। जिधर ये बंदा चाहेगा गाड़ी उधर जाएगी। तुम चाहते क्या हो? बकवास मत करो, गाड़ी सिर्फ मेरे इशारे पर जाएगी। चलो। अच्छा हुआ आज देवर और भाभी की भी मुलाकात हो गई। आनंद, ये सब तुम्हारा गोरख धंधा है? हाँ मेरे दोस्त, पहले गले तो लग जा, बरसों तेरा नमक खाया है। ओ भाभी मुबारक हो, आपने तो दुनिया के बड़े बड़े वकीलों की छुट्टी कर दी है। भला एक आदमी दो बीवियां कैसे रख सकता है? कोई बात नहीं, हम आधा बोझ उठा लेंगे। शाम आपको मुबारक और हमें शांति। ये लो, शांति भी आ गई। शांति, शांति, आनंद, तुम शांति की परछाई के काबिल भी नहीं हो। भाभी, सौतन से इतना प्यार? आनंद, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मेरे आदमी के साथ घर जाओ और जाकर 5 लाख रुपया ले आओ, ताकि मैं तुम्हारे रास्ते के काटे शांति के साथ एक इज्जत की जिंदगी बसर कर सकूं। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं? तो ये मत भूलो, जिस बीवी से तुम इतना प्यार करते हो उसकी जिंदगी और मौत का मालिक इस वक्त मैं हूँ। जाइए जाइए, भगवान के लिए जाइए, नहीं तो ये शैतान दीदी की जान ले लेगा। जाइए जाइए। चलो मेरे साथ। हिफाजत से ले जाओ। और दोस्त ये भी याद रखना, अगर तुमने हेराफेरी से काम लेकर पुलिस को खबर दी तो ये जमानत मेरे पास है। कहीं ऐसा ना हो देवर के हाथ भाभी के खून से रंगे जाए। भाभी, अपना तो उसूल है, नेकी कर दरिया में डाल। देखिए आपकी खुशी के खातिर ये कांटों का हार मैं अपने गले में डाल रहा हूं। क्यों शांति? अमीना, मुझे हाथ लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आनंद, खबरदार जो हाथ लगाया, जब तक मेरी जान में जान है तो शांतु को हाथ नहीं लगा सकता। टाइगर, आनंद खबरदार, आनंद खबरदार, आनंद। मुद्दतों की प्यास आज बुझाई जाएगी। छोड़ मुझे।
गोली मार दूं बस। नहीं, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। कहो कौन किसके खून से हाथ रंगेगा? अजीब लड़कियों, खूबसूरत भी और बेवकूफ भी, मैं तुम्हें अपनी बनाकर तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ और तुम मेरी जान लेना चाहती हो। आज इन सब के सामने ये इकरार करो कि मेरी जिंदगी में कांटे किसने बोए? मैंने बोए। वो कौन था जिसने मुझे फोन पर कहा? आज इन्होंने ज्यादा शराब पी ली है, इनकी हालत बहुत बिगड़ रही है, आपका आना बहुत जरूरी है। वो फोन मैंने ही करवाया था। जब तुम जमींदार के कमरे में दाखिल हो रही थी तो पुलिस को भी मैंने फोन किया था। शांति, मुझे मेरी जिंदगी की भीख दे दो। इसलिए कि तुम्हारे हाथों कुछ और मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाए, मेरी जैसी कुछ और लड़कियां तुम्हारी वासना मिटाने के लिए घरों से निकलकर बाजार में आ जाए। शांति, शांति, ये क्या किया तुमने? अभी तो कुछ नहीं किया, दीदी के एहसानों का बदला चुकाना अभी बाकी है। शांति, 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 ये क्या किया? शांति, ये क्या किया तुमने? शांति, तुम गंगा की तरह पवित्र हो। विधि का विधान जिसने लिखा वही जाने, वही जाने। विधि का विधान जीते कोई या हारे कोई, दुनिया तो देखे तमाशा। विधि का विधान, विधि का विधान।